नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे EDFC कॉरिडोर के बारे में, जिसके बाद से इस रूट पर चलने वाली यात्री ट्रेनों की रफ्तार में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ कही जा रही है कि कई तरह की सुविधाएं भी मिलने वाली है। बिहार में एक तरफ जहां पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में रेलवे को लेकर भी बेहतर कार्य किया जा रहा है। रोहतास जिले के डेहरी के सोन नदी के ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के रेल ब्रिज पर पिछले दिनों एक साथ 5 फ्रंट ट्रेनों का परिचालन किया गया था। इस कॉरिडोर का वीडियो पिछले दिनों रेलवे की तरफ से जारी किया गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के कई नेताओं ने भी इसका वीडियो साझा किया है और लोगों को बताया है। इधर रेल अधिकारियों की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि सबसे लंबे ब्रिजों में शामिल इस फ्रंट कॉरिडोर पर लॉन्ग हॉल ट्रेन का परिचालन की क्षमता है, यानी कि दोनों तरह से एक साथ 6 ट्रेनों की परिचालन की क्षमता है। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार इस पर पिछले सप्ताह एक साथ 5 फ्रंट ट्रेनों का परिचालन किया गया था, जिसका रेलवे द्वारा एयर व्यू बनाया गया, जिसे अब ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के पहले चरण में जिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड पूरा कर रहा है, साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अब मालगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जा सकेगी। कहा जा रहा है कि यात्रियों की ट्रेनों के कारण मालगाड़ियों को इतनी दूरी तय करने में काफ़ी समय लग जाता है। इस दौरान यात्री ट्रेनों को पास देना पड़ता है, जिसके कारण मालगाड़ी को लूप लाइन में डाल दिया जाता है। दोनों तरह की स्थितियां होती है। मालगाड़ी आने पे यात्री ट्रेनों को लूप लेन में डाल दिया जाता है, फिर यात्री ट्रेनें जब कोई स्पेशल होती है तो मालगाड़ी को लूप लेन में डाल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों ही ट्रेनों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब जो बात कही जा रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि सामान्य दिनों में करीब 170 से 200 मालगाड़ियाँ आवाजाही करती हैं, जबकि 375 यात्री ट्रेनें इस ट्रैक पर गुजरती हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि मालगाड़ियों को इन ट्रैक से हटाए जाने के बाद से यात्री ट्रेनों की रफ्तार में बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ ट्रेनों की लेट लतीफी की भी समस्या दूर हो जाएगी। कहा जा रहा है कि कई ऐसी रूटें हैं जिसमें मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को इन मालगाड़ियों से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब मालगाड़ियों के रूट में बदलाव को देखते हुए यात्री ट्रेनों की राहत मिलने वाली है। बिहार से गुजरने वाले पूर्वी कॉरिडोर, जिसकी की लंबाई 1856 किलोमीटर है, यह कॉरिडोर लुधियाना के पास सोहनवाल से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के रास्ते पश्चिम बंगाल के डानकुनी में खत्म हो जाएगी। यह सेक्शन स्थानीय उद्योगों जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग, जो कि कानपुर देहात में स्थित है। इधर ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर, फ्रेड कॉरिडोर और जेवर एयरपोर्ट को देखते हुए यहाँ पर लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है। एक तरह से कह लें कि यह जो कॉरिडोर है, यह पूरी तरीके से उद्योग पर आधारित होगा, उद्योग से जुड़ा होगा और ट्रेनें जो है इन इंडस्ट्रियल इलाकों से होते हुए जुड़ेगी और एक आखिरी स्थिति तक पहुंचेगी। यमुना प्राधिकरण के 1400 हेक्टेयर और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के करीब 700 हेक्टेयर के लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा चुका है। बिहार में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट परियोजना शुरू होने के बाद उद्योग को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही साथ यात्री ट्रेनों को रफ्तार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। तो एक तरह से कह लें कि यह लॉजिस्टिक एक तो हब बनने के बाद से और इस कॉरिडोर के शुरू हो जाने के बाद से व्यापार में तो सहूलियत होगी ही, और साथ साथ यात्री ट्रेनों की रफ्तार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो ट्रेनें लेट लतीफी चलती है लूप लाइन में लग जाने के कारण, उसमें से जो है अब छुटकारा मिलने वाला है। मालगाड़ी ट्रेनें भी अपनी रफ्तार से चलेगी और यात्री ट्रेनें भी अब अपनी रफ्तार से चलेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।